ग्रामीण विकास एवं सेवा संस्थान की रूमा देवी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होकर सोमवार को बाड़मेर लौटी। इस दौरान रूमा देवी के स्वागत में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बलदेव नगर में आयोजित हुए स्वागत समारोह में रूमा देवी का थारवासियों ने मालाएं पहनाकर स्वागत किया और इस उपलब्धि पर बधाई दी। बाड़मेर की बेटी रूमा देवी को इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। सोमवार को महिलाओं को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने के बाद रूमा देवी बाड़मेर पहुंची। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर रूमा का स्वागत किया। महिलाएं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष सम्मान समारोह में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान की अध्यक्ष रूमा देवी को 1,00,000 रुपये व प्रशंसनीय पत्र देकर सम्मानित किया गया था। रूमा ने अपने इस सम्मान को मरुद्रा की मेहनत का सम्मान बताया। सोमवार को बाड़मेर पहुंचने पर थारवासियों ने रूमा देवी का गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं हम और मेरी बहनें सब, उनके हाथ के मेहनत के कारण आज जो ये राष्ट्रपति जी के हाथों से जो सम्मान मिला है ये हमारी सब महिलाओं की मेहनत के लिए मिला है, जो ये एक मेरा नहीं है। और मैं सोचूंगी कि इससे प्रेरणा लेके और बहनें आगे बढ़े और कई बहनें जो ये पुरस्कार प्राप्त कर सके। शुरुआत में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन कठिनाइयों के सामने नहीं देखते हुए हमने हमारी मंजिल के सामने ही कदम रखा और उसमें जुटे रहे। आज इसीलिए हमें ये सौभाग्य है कि आज हम राष्ट्रपति जी के हाथों से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही बलदेव नगर में रूमा देवी का स्वागत एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए रूमा देवी ने इस सम्मान को थार की महिलाओं की मेहनत का नतीजा बताया। साथ ही राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के दौरान स्वयं के साथ ही पूरे थार को सम्मानित और गौरवान्वित होते हुए महसूस करने की बात कही।